दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आजकल बढ़ती जनसंख्या और घटती जमीन के कारण फ्लैट की कीमत दिन पर दिन आसमान छूते जा रही है, जिसके चलते अब महानगरों और छोटे शहरों में अब अपार्टमेंट यानी फ्लैट में रहने का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा है। जाने माने भवन निर्माताओं द्वारा बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। इन इमारतों में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, अनेक परिवारों के लिए भी रहने के लिए छोटे बड़े हर प्रकार व आकार के फ्लैट बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाते समय में वास्तु नियमों का कितना पालन किया गया होगा या किया जाता है? शायद ज़्यादा नहीं। हालांकि इस विषय पर कई बहुमंजिला इमारत के निर्माता यह दावा जरूर करते हैं कि उनके फ्लैट वास्तु नियमों के अनुसार बने हुए हैं और निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के वास्तु नियमों तथा सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की गई है। खैर, इन दावों में कितनी सच्चाई होती है यह कोई वास्तु का जानकार ही बता सकता है। लेकिन अपार्टमेंट या फ्लैट में किसी प्रकार की कोई वास्तु अगर दोष है तो उसमें रहने वालों पर बहुत ही उसका विपरीत प्रभाव पड़ना तय है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी स्थितियां हैं जो अपार्टमेंट या फ्लैट में वास्तु दोष का निर्माण करती हैं और इन दोषों के निवारण के क्या हमारे यहाँ उपाय हैं और उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, किन बातों का रखें ध्यान फ्लैट खरीदते समय, भूमि के बारे में आप निश्चित रूप से इसकी पूरी आप जानकारी ले लें। फ्लैट खरीदने से पहले भूमि संबंधित वास्तु के नियमों के बारे में जान लें, क्योंकि वास्तु नियम सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। उस भूमि पर चाहे स्वतंत्र मकान बना हो या फिर बहुमंजिला अपार्टमेंट, भूमि के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। आपको बता दें, कहीं इमारत का निर्माण किसी के कब्र या कब्रिस्तान पे तो नहीं हुआ है? वास्तुशास्त्र के अनुसार इमारत के नीचे दबी हुई वस्तुओं का सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इमारत और उसमें रहने वाले लोगों पर होता है। परंतु यदि आप 3 मंजिल से ऊपर फ्लैट खरीद रहे हैं तो आप इस दोष से स्वतः ही बच जाते हैं, क्योंकि जमीन संबंधित दोष का दुष्प्रभाव सामान्यतः 2 से 3 मंजिल तक ही रहता है। रसोई घर की स्थिति का भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर का एक महत्वपूर्ण भाग है। रसोई फ्लैट खरीदते वक्त रसोई घर की स्थिति का बखूबी आप जांच कर लें। रसोई का निर्माण वास्तु की दृष्टि से अग्नि दिशा में श्रेष्ठ होता है। इस दिशा में बिजली के उपकरण रखने पर किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आती। यदि भवन का निर्माण वास्तु सम्मत हुआ है तो इस दिशा के स्वामी ग्रह शुक्र अति प्रसन्न होते हैं, जिससे खासकर घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर का वातावरण तनावपूर्ण रहता है, इसलिए इसका निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्नान घर व शौचालय की स्थिति के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। फ्लैट खरीदते समय विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि स्नान घर व शौचालय कभी भी नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम और ईशान दिशा में न हो, और यह दिशा दूषित व अपवित्र होने पर भवन में रहने वालों को प्रायः कलह व विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है। उत्तरी और पूर्वी दिशा अर्थात ईशान कोण जल का प्रतीक है, ईश मतलब भोले शंकर, इसलिए यहाँ पीने का पानी
का प्रबंधन होना चाहिए। वास्तु के अनुसार वायव्य कोण में सेप्टिक टैंक एवं शौचालय का निर्माण उत्तम है। फ्लैट में बेडरूम की स्थिति जो है उसका भी निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए। बेडरूम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। शयन कक्ष यदि सही दिशा में हो तो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, सुखद नींद आती है, जिससे वह सुबह तरोताज़ा होकर उठता है और तरोताज़ा जातक फील करता है और पूरे दिन ऊर्जावान रहता है। ध्यान रहे कि आप जो भी फ्लैट खरीद रहे हैं उसका बेडरूम पूर्व दक्षिण दिशा में ना हो, अन्यथा इसका अशुभ प्रभाव आपकी खुशियों पर पड़ेगा, तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, बीपी ज़्यादा बढ़ा रहेगा। निवारण के लिए क्या करना चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि बिल्डर वास्तु नियमों का तो पालन नहीं करते, और यदि आपने ऐसी किसी इमारत में फ्लैट ले लिया है और उसमें वास्तु दोष है तो इसके लिए निश्चित रूप से अब क्या करें? ऐसे में सबसे पहले आपको आप स्वयं देखें, यदि आपको वास्तु का ज्ञान है तो निश्चित रूप से उपाय करें, अन्यथा किसी योग्य वास्तुविद से आप सलाह लें, लेकर उस दोष को आप दूर कर सकते हैं कि उसमें दोष क्या है। आप सब यूं ही बने रहें। अगर आपके भी फ्लैट में कोई वास्तु संबंधित दोष बना हुआ है, कोई परेशानी बनी हुई है, तो निश्चित रूप से आप जो उपचार करके, सरल उपचार करके आप अपने घर में खुशी ला सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।